जीवन यहाँ भी है और जीवन कोल्हापुर में भी था आपका, दोनों में क्या अंतर है? यहाँ सुख शांति है। यहाँ सुख शांति है तो वहां हमारी सुख शांति कौन ले जाता है? काम काज। बहुत अच्छी बात है। हम जब सोचते हैं कि कामकाज से हमें तनाव आता है और कामकाज हमारा जीवन निर्वाह भी है और कामकाज ये हमारी ड्यूटी भी है, कर्तव्य भी है, बगैर कार्य के हम बैठे बैठे अपना जीवन नहीं चला सकते और समाज भी नहीं चल सकता। तो आप में से कौन कौन व्यापार का तनाव अनुभव करता है, कौन कौन सामाजिक तनाव अनुभव करता है, कौन कौन मानसिक तनाव अनुभव करता है, कौन कौन पारिवारिक तनाव अनुभव करता है, कौन कौन शारीरिक तनाव अनुभव करता है, या ये सारे तनाव आप अनुभव कर रहे हो, या विशेष कोई पर्टिकुलर तनाव आपको अनुभव होता है? सारे के सारे, सभी का यही है मत? हाँ जी, एक दो कम। एक दो कम है आपको, कौन से तनाव नहीं है? बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। नहीं, कौन सा तनाव आपको नहीं है? सामाजिक तनाव इनको अनुभव नहीं है, अच्छी बात है। प्रकृति ने पांच तत्वों की ये दुनिया बनाई है और ये पांच तत्व हम सब की सेवाएं कर रहे हैं कितने वर्षों से, और इन पांच तत्वों के आधार पर व्यापार बना हुआ है। सही बात है। मानो एक छोटा सा भाई है जो न्यूज़पेपर बेचता है, तो वो कागज पर उसकी क्या कहे, अधिकार रहा है ना, उसे कौन सेवा कर रहा है, उसकी भी कागज कर रहा है। और कागज किससे बनता है आपको पता है, उसका मूल बीज जाएंगे तो क्या आएगा, कोई ना कोई पांच तत्व से बनी हुई वस्तु। तो इस पांच तत्वों की दुनिया में जो भी वस्तु उत्पादन होता है और उस उत्पादन का विनाश भी होता है या परिवर्तन भी होता है, सही बात है ना। तो व्यापार में भी आप सभी क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, कोई ना कोई चीज का उत्पादन करते हो या विनिमय करते हो, या तो उत्पादन करते हो या तो विनिमय करते हो। तो जब आप दोनों कार्य में प्रकृति ने आपको कुछ दी हुई है चीज, जिसको आप मनुष्य के उपयोग के या मनुष्य के कार्य में या जीवन में उपयुक्त हो ऐसी चीज बना करके आप संसार को देने वाले आप वे व्यापारी वर्ग हो ना। तो क्रिएशन किया ना आपने, कौन बने आप? सर्जनहार, क्रिएटर बने, रचनाकार बने, सही बात है। या एक स्थान में बनी हुई वस्तु वहां से आपने प्राप्त की और आपने दूसरे स्थान पर पहुंचाई, इसको भी व्यापार कहते हैं। तो आपने दो पार्टी को मिलाया और जो उपयुक्त वस्तु है वो साधन है बहुत दूर था, तो आपके शहर का कोल्हापुर का एक एक व्यक्ति क्या दिल्ली में जाएगा वो खरीदने? तो आप सारे कोल्हापुर के लिए खरीदते हो और कोल्हापुर या कोल्हापुर के आसपास सप्लाई करते हो। और इसी तरह कोल्हापुर हमें क्या देता है, भारत के दूसरे शहरों में क्या पहुंचाता है कोल्हापुर? बिल्कुल राइट, सही बात है ना। तो गुड़ की उत्पादन कोल्हापुर में होती है और वहां से आप सभी भारत में पहुंचाते हो। तो ये तो मीठा संबंध हो गया,
अब इस मीठे संबंध में हमें सुख शांति क्यों चली? तनाव कहां से आया? तो तनाव का कारण क्या है? पहले हम व्यापार अपना जो जगत है उसकी बात करेंगे, फिर अन्य तनाव भी है, सामाजिक है, पारिवारिक है, फिर शारीरिक तनाव भी है। तो सबसे पहले तनाव का कारण आप में से कोई बताएंगे? बताइए। अपना विचार बताइए, आप में से कोई भी बताए। ज्यादा प्रॉफिट की आशा। दूसरा, तो प्रॉफिट अगर चाहिए तो प्रॉफिट से तो हमें प्राप्तियां होती है, पर वो प्रॉफिट की चिंता क्यों लग जाती है? जो प्रॉफिट हमें, प्रॉफिट के पीछे पीछे घूमते 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 हम टेंशन वाले हो जाते हैं। तो प्रॉफिट से मिलेगा, जो भी मिलेगा, जितना भी मिलेगा, उससे तो एक्चुअली बाद में तो खुशी प्राप्त होती है ना। व्यापार आप जब करते हो तो प्रॉफिट तो मिलता ही है, पर जो कम ज्यादा मिलता है तो उसमें तो खुशी होनी चाहिए। तो खुशी की प्राप्ति के लिए आप चले हो ना, प्रॉफिट प्राप्त करने चले हो, अर्थात क्या, खुशी की प्राप्ति करने चले हो। तो खुशी जो आपका मूलभूत स्वभाव है वो छूट गया, मीन्स रह गया पीछे, और उस प्रॉफिट की जगह, प्रॉफिट लेते लेते क्या आ गई, चिंता आ गई। तो प्रॉफिट खराब है क्या अपने आप में? तो मूल बात कहां आई, चिंता। तो चिंता कहां लगी, मन में लगी, मन में होती है ना पैदा। तो मन ये सूक्ष्म अंग किसका है? मन जो है एक कर्म इंद्रिय है, जो जिस प्रकार की सोच चलती है मन में, उस अनुसार हमें या तो खुशी अनुभव होती, या तो हल्कापन अनुभव होता है, और दूसरा आता है हमें चिंता। तो लाइटनेस के साथ हम प्रॉफिट को अर्न करें, कौन सा हमारा मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए? कि प्रॉफिट भी अर्न करें, कमाएं, परंतु साथ में क्या हो, लाइटनेस हो। और लाइटनेस तब आती है जब हम अपने प्रति, साथियों प्रति, जिसके साथ हम व्यापार कर रहे हैं उसके साथ हम पॉजिटिव रहें। जो पॉजिटिव गुण है, वो पॉजिटिव गुण के साथ अगर आप व्यापार करते हो तो वो व्यापार आपको तनाव से मुक्त रखता है। कमाई हर एक को करनी है, पर कमाई के सिद्धांत जब हम भूल जाते हैं, जो कमाई के जो मूलभूत आदर्श हैं, वे जब हम छोड़ देते हैं तो हम दूसरे रास्ते से चले गए। और वही रास्ते कुछ यहां पर आपको बताए हैं। इनमें से पहला है, एम्बिशन होनी चाहिए, परंतु अगर अति ज्यादा महत्वाकांक्षा है हमें, या हमारे पास शोषण ज्यादा है, चाहे हमारा कोई शोषण करता है, चाहे हम किसी का शोषण करते हैं, या हम राजकीय प्रभावों में अधिक हैं, या हम जातिवाद को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, या हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, तो इनमें से कोई भी ये कारण जो है वो हमें टेंशन वाला बना देते हैं व्यापार में। तो अपने आप से अवलोकन करो, अपने आप को देखो कि कहां पर मैं किस जगह पर इनमें से प्रभावित हूं। और इसका जो बीज है वो नीचे बताया है कि टेंशन का जो मूल कारण है, मैंने आपसे पूछा अभी कि तनाव क्यों उत्पन्न होता है, तो तनाव का मूल कारण होता है अहम, और अहम से ही फिर इच्छाएं पैदा होती है, जिसे लस्ट कहते हैं, और उन इच्छाओं की तृप्ति नहीं होने से एंगर अर्थात क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोधवश मनुष्य लोभी अधिक बनता है, और वह लोभ हमें
अति मोह युक्त बनाता है, अर्थात मेरा मेरा। तो मैं और मेरापन, ये मैं और मेरापन व्यापार में भी हमें तनावग्रस्त करता है, और साथ साथ लेजीनेस एवं भय, आलस एवं भय, तो ये हमारे शत्रु हैं। व्यापार तो सभी करने चले हैं और सभी करेंगे भी व्यापार, तो बगैर व्यापार के तो हम बैठ भी नहीं सकते, परंतु मूल कारण उसका क्या है, हम सबका शत्रु कौन है, ना कि आपका जो साथी व्यापारी है वो। आप कहेंगे आज बड़ी बड़ी कंपटीशन है व्यापार में, हम क्या करें, आज मार्केट में वही प्रोडक्ट आ गई जो हम बनाते हैं, दूसरे लोग भी वही प्रोडक्ट, हाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसको कहते हो आप, तो सिमिलर प्रोडक्ट आ गई है, अब हमारी चीज कोई खरीदता नहीं। जैसे चाइना की आज बल्ब्स आ गए हैं, है ना, चाइना के कितने सारे बल्ब्स आ गए हैं, अब फिलिप्स कंपनी भी वही बल्ब्स बनाती है, तो ग्राहक क्या करेगा, ग्राहक दोनों के ड्यूरेबिलिटी एवं उसकी प्राइस को देखते हुए, फिर भले ना चाइना वाला सस्ता देता है तो ग्राहक वहां सस्ती चीज ले लेता है, सही बात है। अब ऐसे समय में फिलिप्स कंपनी, हालांकि वो तो बड़ी मजबूत कंपनी है, तो फिलिप्स कंपनी अपने आप को आज कितने वर्षों से टिकाए रखा है, देख रहे हो ना, आप जब छोटे थे तब भी फिलिप्स कंपनी थी, आप बड़े होकर करके ये जब शरीर छोड़ करके चले जाएंगे तो भी फिलिप्स कंपनी अपना नाम, अपनी गुडविल कायम रखेगी, रखती है ना गुडविल कायम। तो हर परिस्थिति में जो सामना करते हुए अपने आप को पार करे, तो टेंशन क्या है, टेंशन अपने आप में नेगेटिव फीलिंग, यहां पर आपको बताया है स्ट्रेस क्या है और उसकी सिचुएशन बताई है, क्या आप किसी प्रकार का दबाव अनुभव करते हो तब, और वो दबाव और कोई नहीं है, आपके आसपास एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है कि उस परिस्थिति को आप नहीं चाहते हो, आपको अच्छी नहीं लग रही है, या आपकी इच्छा के अनुसार वो नहीं है, या वो राइट है या रॉन्ग है, पर आप उस परिस्थिति को मिटा नहीं पाते हो, हटा नहीं पाते हो, या उसको पार नहीं कर सकते हो, सही बात है ना। और जब ऐसा होता है तो मन पर दबाव आता है, अर्थात मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। मन किससे भर गया, मन एक डिब्बी की तरह है, तो उसमें अशुद्ध विचार आते हैं तो तनाव अनुभव होता है, और मन के अंदर जब शुद्ध विचार आ जाते हैं तो मन क्या करता है, लाइट हो जाता है, क्लियर। तो जैसे वेव्स होते हैं ना समुद्र के, और पानी के वेव्स होते हैं, कैसे तरंगे पानी की जैसे बह रहा है भाई, शांति शीतलता, जैसे कि अभी कहीं भी उछाल नहीं है, उसी तरह से हमारे मन की भी परिस्थिति ऐसी हो जाती है, और उस मन में हम यहां से वहां से कई जगह से कई अशुद्ध बातें, नेगेटिव बातें जब कलेक्ट करते जाते, जो हम देखते हैं उस पर ग्रहण करता है हमारा मन, जो हम सुनते हैं उसको मन ग्रहण करता है, तो जो देखा जो सुना वो मन ने जो ग्रहण किया, अब आपने क्या सुना और क्या देखा, वो तो क्वालिटी चाहिए ना। तो अपने मन को ट्यून अप करना, अपने मन के मां बाप बन करके मन को जब आप सिखाएंगे कि उसे क्या ग्रहण करना है और क्या देखना है, अगर ये फरक शक्ति व्यापारी सदा क्वालिटी को परखता है, ग्रेड देखता है कौन सी चीज किस ग्रेड की है, पर इसी तरह से अपने मन में हमें सारे दिन में क्या क्या ग्रहण करना है, अगर इसमें भी क्वालिटी आ जाए, इसको कहते हैं परखना। और ये कौन करे, बुद्धि करे, सही बात है। तो बुद्धि रूपी यंत्र भी आपके पास है और मन भी आपका है,
अब मन क्या ग्रहण करे ये बुद्धि सिखाए, तो वो है सद्विवेक। बुद्धि का भी सूक्ष्म जो पवित्र अंग है वो कौन सा पार्ट है बुद्धि का? सद्विवेक। तो व्यापारी के लिए सद्विवेक ही उसे सतर्क रखता है, अलर्ट रखता है, होशियार बनाता है। सही बात है। तो ये सद्विवेक साथ साथ अगर आपका कार्य करता है, मानो आप मशीन चलाते हो पर उसमें ऑयलिंग नहीं है, मशीन चलेगा? तो मन रूपी मशीन तो सारा दिन चलता है, पर अगर उस पर आपने बुद्धि का नियंत्रण नहीं किया तो मन तो कुछ भी सोचेगा। तो टेंशन का कारण क्या बना? कि मन को आपने फ्री छोड़ दिया है, कुछ भी सोचे, कुछ भी देखे, कुछ भी ग्रहण करे। तो क्या होगा आखिर? इस मन को समझाना किसे पड़ेगा? हीलिंग द माइंड, जिसको कहते हैं ना, भी मन को भी रुझान करना पड़ता है, मन को भी हील करना पड़ता है, मन को भी शांत करना पड़ता है, मन भी रोता है। तो वो कौन थमाएगा उसे? स्वयं आप राजा, स्वयं मन के मालिक। तो अगर आपने बहुत ही उसे नेगेटिविटी दी है तो आखिर समझाना भी आपको, यानी क्लीनिंग जिसको कहते हैं, सफाई मन की, वो भी आपको ही करनी होगी। तो अशांति जो आपने बताई व्यापार में आती है, तो सबसे पहले है कि जब हम कोई भी सडन चेंज आ जाता है, हम सोचे कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही घटनाएं घटे, वैसा ही संसार चले, ये तो होने वाला नहीं है। तो परिस्थितियों में बदलाव, तो आज की जो वॉर चल रही है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका, तो उसके कारण आपके व्यापार धंधे पर भी असर होता है। इसको कहते हैं अचानक का बदलाव, परिस्थितियों में चेंज। तो वो जो चेंज आते हैं, अब उसके अनुसार आपको क्या करना होता है, आपके मन बुद्धि को क्या करना होता है? जितने स्पीड से परिस्थिति निर्माण होती है, जिस स्पीड से घटना घटती है, उससे भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपके मन बुद्धि जितने स्वच्छ रखोगे आप, तब लाइन क्लियर होगी कि घटना घटे उसके पहले आपने क्या किया, आपने आपको तैयार रखा, क्योंकि ये तो युद्ध स्थल है ना। हम जो ही घर छोड़ करके व्यापार के मैदान में पहुंचे, तो व्यापार का मैदान है जहां सब व्यापार करने बैठे हैं, तो हमें तो परिस्थिति को कोप अप करने की ताकत को बढ़ाना है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन कैपेसिटी टू कोप अप। तनाव अर्थात कि दबाव, और दबाव के नीचे आप इस प्रकार लिख सकते हैं, आपकी क्षमता, जितनी आपकी क्षमता बढ़ेगी उतना तनाव कम होगा, और अगर आपकी क्षमता कम है तो दबाव। तो ये दोनों का संबंध है तनाव के साथ हमें मुक्त होने के लिए। तो अपन आज बैठे हैं विचार विमर्श करने कि कैसे हम अपने तनाव से मुक्त रहे, मैनेज करें, क्योंकि संसार की आज घटना चक्र ही ऐसा हो गया है कि तनाव नहीं आए ये तो हो ही नहीं सकता। चूहा कहे कि बिल्ली आए ही नहीं, आंख बंद करके अगर चूहा बैठ जाए तो बिल्ली नहीं आएगी क्या? तो इसी तरह आज समय ये हो गया है। तो समय को समझते हुए हमें अपनी
कैपेसिटी को बढ़ाना है, और इसी को ही यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में एक कला सिखाई जाती है। और वो कला क्या है कि हम अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाएं। तो जब हम क्षमता की बात करते हैं तो क्षमता अर्थात मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति और हमारी कर्म शक्ति है संस्कार, हमारी आदतें, हमारा नजरिया या दृष्टिकोण या एटीट्यूड। तो परिस्थितियों को देखने का जो नजरिया है हमारा, वो अगर पॉजिटिव बनता है तो हम परिस्थिति को कोप अप कर सकते हैं। तो ये जो तनाव की जब सिचुएशन आती है तो नेगेटिविटी की अनेकों के नेगेटिव संकल्प की दीवार सूक्ष्म दीवार वो पैदा हो जाती है। और जब ऐसी नेगेटिव संकल्पों की सूक्ष्म दीवार जब पैदा हो जाती है, अब इसको मुझे क्रॉस करना है। कैसे कैसे करेंगे? तो इसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, कि मन बुद्धि संस्कार को आपको आपको बात करनी होगी। जैसे आप एक दूसरे के साथ बात करते हैं, उसी तरह आपको आपके मन बुद्धि और संस्कार के साथ बातचीत करनी होगी। और मन बुद्धि के संस्कार के साथ बात करने के लिए भी आपके पास धैर्य चाहिए, समय चाहिए। तो ये जब आप करेंगे तो आपको कोई ना कोई एक रास्ता दिखाई देगा या समझ आएगी कि मुझे क्या करना चाहिए इसको ओवरकम करने के लिए। माना आप धंधा बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते, बढ़ता नहीं है। आपके सामने कोई भी अलग अलग प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। तो व्यापार बढ़ाने के जो तरीके हैं, युक्तियां जो है, वो आपको शांति से सोचनी होगी। वो आप अति ज्यादा सोच से नहीं आएंगी, व्यर्थ सोच से भी नहीं आएंगी और कमजोर सोच से भी नहीं आएंगी। अगर आपकी विचारों की धारा कमजोर संकल्पों की है, व्यर्थ संकल्पों की है या अति सोच की है तो रास्ता नहीं आता। परंतु इसकी जगह समर्थ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प और कोई ना कोई गुणों से युक्त संकल्प आप रचेंगे मन में, अर्थात नई रचना मन में विचारों की करेंगे कि कोई ना कोई गुण का आधार लेकर के अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो उसको कहते हैं आपने अपनी मन की धारा को मोल्ड किया। जैसे परिस्थिति है, परिस्थिति के प्रभाव में अगर सोचेंगे तो आप भी नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि परिस्थिति कौन सी है? नेगेटिव है। और आप भी उसके प्रभाव में आकर के हाँ नहीं हो सकता है, फलानी बात ही ऐसी है, तो आप भी उसमें जुड़ गए। अर्थात एक आग लगी हुई थी, उस आग को आपने भी क्या किया? आपके नेगेटिव संकल्पों से उस आग में क्या किया? आपने बढ़ावा किया। तो आग बुझेगी तो तनाव जाएगा। क्लियर होगी ना बात? तो कैसे कॉन्कर करना है, कुछ बातें यहां एग्जाम्पल के रूप में दी हैं कि सारी चिंताएं परमात्मा को सौंपो, आपके दिल में उसे स्थान दो, बातें करो उससे,
और स्वयं को क्या बनाओ, ट्रस्टी। जब मेरा मेरा आ जाता है हमारे अंदर, मैं ही कर सकता हूं, मैं ही करने वाला हूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी के साथ साथ एक दूसरा गुण अपनाओ, न्यारेपन का। हाँ मैं जिम्मेदार हूं, मुझे धंधा करना है, कल उठकर दुनिया मुझे ही पूछेगी, राइट है, क्योंकि सीट पर मैं हूं, ठीक है। परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि आप नेगेटिव बातों को अपने मन में धारण करें, ये तो नहीं कहा गया था धंधा सीखते समय, कहा गया था किसी को कि धंधा भी करो और साथ साथ नेगेटिव बातों का भी धंधा करो, कहा गया था क्या? तो नेगेटिव बातों को माइनस करनी होती है, और इसको कहते हैं डिटैचमेंट, न्यारापन। तो एक्सेप्टेंस, जो परिस्थिति है, मुश्किलाते हैं, कठिनाइयां हैं, उन्हें आप स्टेपिंग स्टोन समझें। स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है कि ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए बात आई है, तब ही मेरे में हिम्मत बढ़ेगी। तो हिम्मत का एक कदम आपको सफलता की ओर ले जाएगा, ठीक है। तो धंधे में सफलता हिम्मत के आधार पर होती है। आपने भारत के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो आज भी नामांकित हैं, कई ग्रुप्स हैं अपने देश में, बिरला ग्रुप है, टाटा के ग्रुप है, तो इन्हों की आप जीवन कथनी अगर सुनेंगे पढ़ेंगे। आज हमारे आबू रोड में नीचे मॉडर्न इंसुलेटर है, एक फैक्ट्री है जो बिजली के इंसुलेटर्स, जो बिजली के जो कनेक्शंस के जो इंसुलेटर्स होते हैं वे बनाते हैं। उसका जो मालिक है वो पहले क्लार्क की नौकरी करता था किसी बिजनेस में किसी के पास, पर उसकी अंदर में ये शक्तियां जो अंदर छिपी हुई थी, तो वो क्लार्क से मैनेजर बनता है, फिर मैनेजर से उसको ध्यान में आता है कि मैं भी ऐसी कोई कंपनी बनाऊं, मैं भी ऐसी कोई फर्म पैदा करूं, और उसने टेक्सटाइल और यान, यान समझते हैं आप शब्द, हाँ, जो सूत बोलते हैं, जो जिससे कि कपड़ा बनता है, तो वो यान की मिलें उसने बनाई भारत में, 10 बनाई, कितनी बनाई, 10 बनाई। तो कहां था और कहां पहुंचा, तो हिम्मत का कदम सफलता प्राप्त कराता है। कायरता, भय उससे नहीं होता, कायरता और भय इसको ही कमजोरी कहते हैं। तो राइट स्थान पे हमारी ये गुणों की क्षमता हमारी यूटिलाइज होनी चाहिए। गुण है हमारे में परंतु उपयोग होना चाहिए। जैसे गोडाउन में अगर माल पड़ा रहेगा तो हर रोज मीटर चढ़ता जाएगा खर्च, ठीक। उसी तरह अगर आपके अंदर भी गुण है और उन्हें आपने उपयोग नहीं किया, तो नेचुरली गुण की जगह क्या हो जाएगा, कर्म में क्या आएगा, कर्म के खाते में, आपके प्रैक्टिकल व्यवहार में क्या आ जाएगा, गुण की जगह अवगुण आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, तो आपकी जगह दूसरा कोई ले लेगा, दूसरा व्यापारी वो व्यापार आपकी जगह कर लेगा। पर तब आप दोस्त समझेंगे, देखो फलाने ने मेरा चांस ले लिया, मेरा धंधा इसने रोका। नहीं, आप उस समय जब वो घड़ी थी, समय था, उस समय आप पीछे रहे। तो सरेंडर ऑल योर वरीज, सारी चिंताएं परमात्मा को पहले तो सुपुर्द करो, बातें करो उससे, तो मन लाइट बनेगा। दूसरा है, हर परिस्थिति में बेनिफिट देखें, या शब्द है बीच में बेनिफिट। अब ये नजरिया आप में से जितने लोग अपनाएंगे तो टेंशन फ्री तुरंत होंगे। तीसरा है कि याद रखो कि हर बात का सॉल्यूशन समय करता ही है। समय एक बहुत बड़ा बलवान शक्तिशाली साधन है, जो आप नहीं कर सकते हो वो समय करके दिखाता है।
कभी कौन सा समय ऐसा होता है आप चाहते हो पर नहीं हो पाता है, और कभी कोई समय ऐसा आ जाता है जो आपने सोचा भी नहीं था और समय ने परिस्थिति को अच्छा बना दिया। तो हर परिस्थिति का सॉल्यूशन समय भी है। आपके पास अनेक समस्याएं हैं, आप सारी की सारी समस्याएं चाहते हो अभी की अभी सुलझ जाए, नहीं। आप प्रयास कीजिए एक के बाद एक। तो पहले कौन सी समस्या आपकी सुलझनी चाहिए वो सोचिए, पहले उसको सुलझाइए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। सारे प्रॉब्लम्स एक साथ इकट्ठे आप सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सोचिए कि मुझ में किस प्रकार का अहम भाव है, ईगो मुझ में है, और वो ईगो कहां कहां मुझे नुकसान करता है। तो ईगो की एक जाल अंदर बनी हुई है हम सब में, जैसे वृक्ष की डालियां होती है ना, डालियों से फिर अनेक छोटी डालियां और छोटी डालियों से फिर पत्ते होते हैं, वैसे ईगो की भी वंशावली है और ईगो के भी प्रकार हैं। तो वो कौन सी बात है जो आपके व्यापार में नुकसान करता है, तो उस ईगो को हटाओ, तो आप देखेंगे कि आपको टेंशन नहीं आएगा, टेंशन रहित बनेंगे। फिर कई बार हमें इच्छाएं, लालसाएं, कामनाएं इतनी बढ़ जाती हैं, अब उसे रोक नहीं पाते हो आप, न चाहते हुए भी उनके प्रभाव में आकर आप गलतियां करते हो। अब इसको टेंशन होता ही है, इससे इच्छाएं, लालसाएं, कामनाएं भी हमें टेंशन करती है। तो उसका उपाय है, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मालिक बनकर करिए, 6:30 बजे आप और मैं, हम सभी यहां से चले जाएं। अभी मालिक बन करके आपस में ज्ञान की लेन देन कर रहे हैं, पर यहां कुछ है हमारा, पर ये आपको मालूम है कि यहां मेरा कुछ भी नहीं है। अब व्यापार में ये बात कैसे लागू करें? आप समझ गए मेरी बात? सूक्ष्म, हम इतना बोझ लेकर के चलते हैं व्यापार में, और ये अहम इस प्रकार का है कि हम एक ऐसा पुरुष भाव लेकर के चलते हैं कि एक पुरुष दूसरे पुरुष को इस तरह से देखता है। पुरुष अर्थात ये अहम भाव वाला पुरुष नहीं। जब आप छोटे कुमार थे, याद करो, किशोर अवस्था में थे, और फिर जब आप इस उम्र में आए हो, इसके साथ साथ आपके अंदर वो पुरुष भाव बढ़ता गया ना। आप किशोर अवस्था में थे तब आपका चेहरा क्या था? तो ये जो सूक्ष्म आपके ऊपर एक अहम का भाव है, वो आपको तनाव पैदा करता है, यानी पजेसिविटी जिसको कहते हैं, पजेशन। कल परसों पेपर में आया था, एक पत्नी ने पति को जिंदा जलाने की कोशिश की, कारण पुलिस में गई सारी बातें, तो कारण यह बताया पत्नी चाहती थी पति से कि पति सारी मिलकत उसको दे दे, और पति नहीं चाहता था कि सारी मिलकत पत्नी को दे। ठीक, चले थे दोनों साथ साथ जीने, गृहस्थी चलाने, और जो है वो बांटकर खाने,
जो पत्नी का है वो पति का है, और जो पति का है वो पत्नी का है, ठीक है ना। तो बोला कि ये आपस में इनके कई समय से ऐसे झगड़े चलते थे, शादी के दिन आप लोग क्या प्रतिज्ञा करते हो? दिल का संबंध, सच्चा संबंध, और कहां पहुंच गए? कारण भौतिक सुख कहां ढूंढने गए? दोनों आप अजर अमर अविनाशी आत्मा, एक पत्नी का रोल अदा कर रही है, एक पति का रोल अदा कर रहे हैं, दोनों कौन हो? अजर अमर अविनाशी आत्मा। और अजर अमर अविनाशी आत्मा सुख लेने चली कहां? जो विनाशी वस्तु है। तो अविनाशी को विनाशी वस्तु से सुख मिल सकता है, या अविनाशी स्वयं एक शक्ति है? हम स्वयं एक सुख रूप है। तो दो प्यार के शब्द आपस में अगर दोनों करते हैं, इसी तरह दो व्यापारी, दो कस्टमर, तो व्यापार में आप वस्तु का विनिमय करते हो तो साथ साथ प्यार का विनिमय करते हो। आपका ग्राहक आपको कल याद रखे कि फलाने व्यक्ति से हम खरीदते हैं चीज, हमारा व्यापारी विश्वसनीय है। आई ना ऑनेस्टी की बात? अगर आपने आपके कस्टमर के साथ ऑनेस्टी रखी है तो उसकी दुआएं आपको मिलेगी, उसके आशीर्वाद जो आपको मिले वो है कमाई, सच्ची कमाई वो है। और टेंशन तब जाता है भाइयों जब आपने व्यापार में सचमुच किसी को सुख दिया है। सवेरे उठिए, नहा धोकर शुद्ध विचारों का बीज बोइए, शुभ चिंतन सवेरे उठकर कीजिए, व्यापार के संबंधी भले कीजिए। तो सवेरे उठकर के आपको, आप तो सभी कोल्हापुर के तरफ हैं तो कृषि प्रधान है वो सारा एरिया भी, तो बीज बीज तो चाहिए ना अच्छे। अगर बीज ही अच्छे नहीं है तो सबसे पहले आपके पास कौन सा बीज चाहिए? बीज आपका धन है, और वो धन है पवित्र संकल्प। पवित्र संकल्प तो आप समझते होंगे किसे कहते हैं। दूसरी वस्तु है खाद, आपको खाद भी चाहिए ना उसके लिए, तो कौन सा डालिए? मन, शरीर और धन। तो उस पवित्र संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए जो सोचा आपने, अब उसे लाना पड़ेगा तो किसका आधार लेंगे आप? मन का लीजिए, ये तन का लीजिए और धन का लगाइए, उसमें धन इन्वेस्ट कीजिए। जो शुद्ध संकल्प सवेरे आपने किया उस ओर आपके ये तीन साधन उपयोग कीजिए। पानी कौन सा दीजिए उसे? संग का, अच्छे संग का। ये देख रहे हो वातावरण, आप सभी कोल्हापुर से आए हैं प्रॉपर, कोल्हापुर जिला, तो अलग अलग स्थान से आए हैं जी जी। तो आप अपना एक संगठन बनाइए, व्यापारी एसोसिएशन हम जब बनाते हैं उसमें कई टर्म्स, कई नियम हम एडॉप्ट करते हैं ना, कई नियम बनाते हैं, और वो नियम सदा
कोई ना कोई गुण के आधार पर होंगे, कोई ना कोई प्रिंसिपल के आधार पर होंगे, कोई ना कोई सिद्धांत के आधार पर होंगे। सही बात है। तो व्यापार में भी हमें अच्छा संग चाहिए। तो मन बुद्धि और धन जो आपने लगाया उसके साथ अगर संग अच्छा है तो तीनों मिलकर के जो बीज बोया, जो खाद आपने यूटिलाइज किया और जो अच्छे संग का पानी दिया, तो ये तीनों जब मिलेंगे तब जाकर के क्या बनेगा? फल। तो फल क्या मिलेगा आपको? अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, और वे कर्म दिव्य गुण और दिव्य संस्कार युक्त बनेंगे। कर्मों का व्यापार और कर्मों की कमाई, ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? श्रेष्ठ कर्म, एलिवेटेड एक्शन, यानी श्रेष्ठ कर्म, और श्रेष्ठ कर्म ही आपकी कमाई है। तो व्यापार आपने किया शायद 20 वर्ष की आयु से लेकर के 50, 60, 70 वर्ष की आयु तक आप व्यापार करेंगे, फिर रिटायरमेंट लेते हैं, ठीक है? तो 20 से 70 उम्र कितने साल हो गए? 50। इस 50 वर्षों में आपने कहा मेरी बैंक बैलेंस 2 लाख हुई, 6 लाख हुई, 8 लाख हुई, 10 लाख हुई या 5,000 हुई, ठीक है? क्या इसको कमाई कहेंगे? आपके श्रेष्ठ कर्म जो ये 50 वर्ष में आपने कम व्यापार के साथ साथ किए, वो आपकी सच्ची कमाई है। और दाता बन करके सभी जो जो कार्य चलते हैं उनमें भी व्यापारी जो है वो दाता कहा जाता है। दातापन की जो शक्ति है वो व्यापारी में है। तो अगर आपके पास श्रेष्ठ कर्म अधिक है तब आप दाता बनकर के दूसरों को भी उससे सेवा करोगे। हाँ, मोटे रूप से हमने हॉस्पिटल में दान दे दिया, गरीबों को दान दे दिया, मैं उसको नहीं कह रही हूं दातापन, ये तो चैरिटी चलती ही रहती है ना, ऐसे कई ट्रस्ट बने हुए हैं, मैं उसको नहीं कह रही हूं। परमात्मा यहां ये सिखाता है कि श्रेष्ठ कर्म का आधार है पवित्र संकल्प। तो आपके खाते में मीन्स आप एक आत्मा हो जो व्यापारी का एक रोल अदा कर रहे हो ना, तो आप आत्मा के जमा और उधार का जो खाता है, आप एक आत्मा है और आपका जो जमा और उधार का जो खाता है वो आपके कर्मों के अनुसार है। तो उस कर्मों के द्वारा आपने स्वयं पर कितनी कृपा की और दूसरों पर कितनी कृपा की, आपने स्वयं पर जो ब्लेसिंग की वो आपके खाते में जमा हुआ और वो आपकी कमाई चलेगी, वो इस जन्म में भी कमाई काम आएगी तो आपके नेक्स्ट बर्थ में भी काम आएगी। तो अभी आपका वर्तमान दृष्टिकोण सीमित है, कौन सा? मेरा परिवार है, उसको मुझे पालन करना है, बच्चों को बड़ा करना है, मेरे को इतने लाख चाहिए, बस मेरा जीवन पूरा हुआ, बच्चे बड़े हो गए, सेट हो गए, अब मैं रिटायर होकर घर में बैठूंगा, ठीक है, जब तक जीवन है तब तक जीऊंगा। नो, ये तो एक दृष्टि हो गई। और परमात्मा सिखाते हैं त्रिकालदर्शी बनो। त्रिकाल यानी तीनों काल, काल को समय कहा जाता है। तो तीन काल कौन कौन से हैं? आदि, मध्य और अंत। तो हर कर्म को करते हुए सोचो कि इसका परिणाम कहां, किस पर, मुझ पर, अन्य पर क्या आएगा। तो जब आपके पास ये कैलकुलेशन है ना, हिसाब, हिसाब की बुक रखते हैं ना, तो वैसे ये हिसाब की बुक हो कि मेरे कर्मों से मुझ पर, अन्य पर, समाज पर क्या असर होती है। जब ये आपके पास हिसाब है तो आपके कर्म कैसे बनेंगे? श्रेष्ठ बनेंगे, और स्वयं आपके कर्म प्रेरणादायी बनेंगे, दूसरों को भी प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे,
इसको कहते हैं दातापन। तब आप दाता कहे जाए, ऑटोमेटिक आपके द्वारा दूसरों को प्राप्ति होगी ही होगी। तो निमित मात्र, चाहे आप गुड़ बेचते हो, चाहे तेल बेचते हो, चाहे कागज बेचते हो, चाहे कपड़ा बेचते हो, ये तो एक साधन है, निमित मात्र है। आपको अच्छे कर्म करने के लिए ये एक साधन मिला हुआ है, पर इसके जरिए आपको करना क्या है? पुण्य कर्म करना है। और वो पुण्य कर्मों का जमा का खाता जितना आपका ज्यादा होगा, उतना आप चैरिटी करेंगे, दूसरों को दान करेंगे, और वो जो दान किया वो आपके साथ चलेगा। ठीक है? तो ऐसे श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी इकट्ठी करने के लिए, पूंजी, पूंजीपति कहा जाता है ना व्यापारी, धन का मालिक कहा जाता है, कौन सी पूंजी इकट्ठी करनी है? चढ़िए तो ये सीढ़ी, सभी आप में से कौन कौन ये सीढ़ी चढ़ सकता है? पहला कदम कौन सा है? सेल्फलेसनेस, निर्माण चित्त, निस्वार्थता, करते हुए भी मैंपन का अभाव, और किसी का बुरा नहीं हो हमसे, व्यापार में भी हमसे किसी का बुरा नहीं हो। तो जो सीमित दृष्टिकोण है उसकी जगह विशाल दृष्टिकोण। सेल्फलेसनेस का मतलब आप कहोगे बहन आज नहीं चल सकता हम, अगर अपना न भला करें तो, स्वार्थ न रखें तो। पर पहले व्यापारी क्या करता था और आज का व्यापारी क्या करता है? पहले व्यापार में परमार्थ समाया हुआ था। आप में से जो बुजुर्ग हैं वो मुझे हाँ कहेंगे, दादाजी जब छोटे थे तब अगर दूध वाला दूध बेचने आता था तो साथ में जो भी गांव के बच्चे हैं उनको भी पिलाता था कि नहीं? और आज अगर कहो कि एक्स्ट्रा थोड़ा दूध देना तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं मेरे भी बाल बच्चे हैं, वो भी दूध वाला था जो बच्चों का पिलाता था, और ये भी दूध वाला है, मेरे भी बाल बच्चे। क्लियर हो गई ना बात? तो पहले का दूध वाला क्या किया उसने? अपना भी धंधा किया, दूध भी बेचा, हाँ, पर परमार्थ भी किया। सही बात है कि नहीं? आप में से किसी ने बचपन में अनुभव किया होगा ये। तो इसको कहते हैं सेल्फलेसनेस। दूसरा कदम है डिविनिटी, दिव्यता। तीसरा कदम है सर्व के प्रति प्यार, अपनेपन की भावना। ये भी मेरे ही परम पिता का संतान है, हम सब एक पिता के संतान है। ये दृष्टि व्यापार में हो तब आपने अच्छा व्यापार किया। उदारता, बेनिवोलेंस, कल्याणकारी एवं उदारचित, दया, त्याग, ट्रस्टीशिप, पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता एवं सामर्थ्य, शक्तिशाली हो। जितने आप ये कदमों में आगे बढ़ेंगे उतना तनाव मुक्त रहेंगे। बार हम पारिवारिक, सामाजिक या मानसिक तनाव भी अनुभव करते हैं, तो उसके कई कारण होते हैं कि हमारा स्वभाव दुख में रहने का बन गया है। एक आदत बन गई है कि हर बात से दुख उठाना, सुख नहीं क्या उठा लेते हैं। और आपस में चार व्यक्ति मिलते हैं, आप देखेंगे परिवार में बहनें होंगी तो बहनें आपस में क्या बोलती हैं,
उस विषय का आप सार निकालेंगे, और भाई भी अगर जो बातें करते हैं उस विषय का सार निकालेंगे तो दुखी बातें रहती है। पर क्यों दुखी है? जो अपने दुख से दुखी है इसलिए दुखी है, जो दूसरों के दुख से दुखी है इसलिए दुखी है, जो बिना किसी वजह से दुखी है, जो दूसरों के सुख के कारण दुखी है। ऐसा तो कुछ नहीं है जो इसके कारण टेंशन हो रहा है, ऐसे स्वभाव के कारण। मानव लोग मर रहे हैं युद्ध स्थल पर तो हमें दुख होना चाहिए? अब दुख होना चाहिए या शुभ भावना आनी चाहिए? अगर आप भी उनके साथ दुखी के साथ दुखी रहे तो रोग तो बढ़ गया, बड़ा या नहीं? तो आपने उसके लिए निवारण तो कुछ किया नहीं, कुछ राहत दिया उनको अपने, उनके लिए कुछ किया नहीं किया। तो गम के साथ गमी नहीं बनना होता है, गम के साथ हमें रहम भाव और शुभ भावना, ये परमात्मा सिखाते हैं। तो आप शक्तिशाली बनेंगे उस परिस्थिति का सामना करने के लिए। नहीं तो भावनात्मक जो पहलू है मन का, इमोशनल होकर के आप भी उस धारा में बह जाएंगे, होता है ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें क्या सिखाता है कि हम अपने मन को कैसे सिंपल बनाएं, यह भी एक गुण है। हम कहते हैं सादगी, बहुत मोटे रूप से हमने सोच ली है, भाई सादे वस्त्र हो ना, इसको सादगी का गुण कहते हैं, भाई ये बहुत सिंपल है। पर परमात्मा तो आत्मा की सादगी सिखाते हैं। आपको टेंशन हो रहा है कोई भी बात का, क्या आप अपने मन को एक क्षण में विराम दे सकते हैं? मन उस नेगेटिव धारा में सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, तो ये व्यापार है क्या? आपकी शक्ति तो खर्च हो रही है। संकल्प भी धन है, और ये धन आपका बिना वजह वेस्ट होता जा रहा है, तो क्या करेंगे? एक सेकंड में उस बात को वहीं विराम दे दें, स्टॉप करें। जैसे रेड सिग्नल आ गया तो आप रोड क्रॉस करेंगे? तो ये मेंटल ड्रिल, ये मन को ड्रिल देने से हम तनाव मुक्त बनते हैं। और मन में क्या करो, जो भी बात है जिससे आपको टेंशन हो रहा है उसका सार खाली मन में रखो कि वो बात का वही अर्थ क्या था, भाव क्या था, इससे मुझे क्या सीखने को मिला, या मुझे अभी आगे क्या करना चाहिए। क्यों? घटना तो घट चुकी। हम भारतीय पश्चाताप में ज्यादा समय देते हैं, और आध्यात्मिकता क्या सिखाती है कि आप मन में वही बात का चित्र पुनः पुनः न ला करके उसकी जगह क्या करें, आगे अभी आपको करना क्या है। तो अपने मन बुद्धि में वो बातें पुनः पुनः डालें कि इसके आगे अभी करना क्या है। तो जब मन बुद्धि को दूसरा कार्य दिया आपने, तो वो जो पिछली बात का जो दुख में प्रभाव था या तनाव युक्त प्रभाव था उसको आप लाइट बना सकेंगे, बात हल्की हो जाएगी। क्यों? आपने नेगेटिविटी को बहुत बहुत वैल्यू नहीं दी,
तनाव तब बढ़ता है जब हम ही उसे बढ़ावा देते हैं। क्यों तनाव अच्छी चीज नहीं है, फिर क्यों बढ़ावा दे? तो प्रिय तो हमें शांति है, और अगर हम अशांति के ही विचार करते रहेंगे तो मन भारी हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि मन एक डिब्बी जैसा है, तो वो भारी हो जाती है। अब उसमें ही शांति युक्त नए प्योर विचार करेंगे तो परिवर्तन। इसलिए कहा गया एसेंसफुल, और स्वयं को कंप्लीटली पवित्र भाव में कन्वर्ट कीजिए, एवं स्वयं को स्वमान दीजिए। स्वमान का अर्थ बताइए, आप में से कोई बताएगा? किसको कहते हैं स्वमान? ईगो का तो सबको अनुभव है, स्वमान तो गुण है। आप में से कोई बताएंगे स्वमान? बहुत अच्छी बात बताई। वो क्या है आपकी स्थिति बताइए? बहुत अच्छी बात बताई आपने। कौन किसने बताई? हाँ, क्या अपनी स्थिति, वो कौन सी बात, उस स्थिति क्या है आपकी? राइट, आपने ठीक कहा। वो स्थिति क्या है? बहुत अच्छी बात बताई जी। श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। स्व अर्थात आप अंदर में जो वास्तव में एक अच्छे पवित्र शुद्ध आत्मा, बहुत ऊंचे हो आप, पर टेंशन जब आता है, नुकसान होता है, तो ये जो आपका स्व पवित्र श्रेष्ठ ऊंचा जो स्व है, वो स्वयं अपनी नजरों में गिर जाता है ना? तो पुनः वही पवित्र स्व की स्मृति में आओ, अपने उस ऊंचे पवित्र भाव में आओ, और इस ऊंचे पवित्र भाव को स्वीकार करना, कन्विंस करना, मन बुद्धि को समझाना। तो कहा जाता है ना, भाई मान ले मेरी बात, बात बात में कहते हैं ना, मान ले मेरी बात। तो मान अर्थात मान ले, एक अर्थ ये होता है, और मान अर्थात कि तू है ये, अर्थात अपने आप को आदर के नजर से देखो, अपने आप को सत्कार दो। इस पॉजिटिव धारा में जितने आप जाएंगे, तो पुनः अपना एक बैलेंस आप अनुभव करेंगे। और इसलिए परमात्मा ने इस विश्वविद्यालय में जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाया। तो मुक्ति हमें टेंशन से चाहिए, हमें संन्यास नहीं पकड़ना है कि घरदार छोड़ करके या व्यापार त्याग करके नहीं बैठना है। तो जीवन में हमें मुक्ति चाहिए, और मुक्ति चाहिए टेंशन से। तो जो जीवन मुक्ति हमें मिलेंगी, उसमें हमें जीवन जीते हुए भी हम आनंद से निश्चिंतता से एवं संतुष्टता से अपना जीवन में
ये तीन चीजें हमें मिलनी चाहिए हमारे जीवन में। जब मृत्यु है तो मृत्यु के बाद कर्म क्षेत्र नहीं है, और कर्म क्षेत्र है तो मृत्यु के बाद की शांति नहीं है, ठीक है ना। उसको मुक्ति कहते, मोक्ष कहते। हमें मोक्ष के बाद अगर कोई कहता है अभी तुम्हें शांति ही शांति है, उसको हम क्या करें? समझ में आई आपको बात? कि जब हम शरीर छोड़कर चले जाते हैं, फिर चाहे हमें अनंत शांति मिले, पर वहां हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता हमें कर्म क्षेत्र पर है। इसलिए जीवन मुक्ति का मार्ग हमें संसार में रहते हुए चाहिए, और वो जीवन मुक्ति का मार्ग संसार में रहते हुए तब आता है जब स्व के सही अर्थ में हम बैठते हैं। और स्व के सही अर्थ में बैठने से अपने आप को मान देंगे, और जब आप अपने नजरों में मान युक्त हैं, तो आप दूसरों से मान मांगेंगे नहीं, अपेक्षा नहीं करेंगे, पर दूसरों को भी आप मान ऑटोमेटिकली देंगे, क्योंकि अंदर से भरपूर हो आप, अंदर से खुश हो आप। पर अगर आपके पास ये स्वमान की कमी है, तो फिर आपकी नजर कंपैरिजन करती है, और कंपैरिजन जब करती है, फलाना व्यक्ति मेरे से इतना ऊंचा है, बड़ा है, आगे है, इसके पास ये चीजें हैं, तो हीन भावना आती है। तो ईगो दो प्रकार का होता है, एक होता है हीन भावना वाला, एक होता है बॉस वाला, बॉसिज्म वाला, डोमिनेशन वाला। अब ये जो दो बातें हैं वो हमें स्वमान से उतार देती है, इसलिए बैलेंस। तो आध्यात्मिकता हमें क्या सिखाती है, जीवन मुक्ति का मार्ग हमें क्या सिखाता है, कि राइट्स प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये दोनों का बैलेंस चाहिए। भौतिकता अर्थात भौतिक लाइफ एवं आध्यात्मिक लाइफ, दोनों का समन्वय चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो तनाव का एक कारण ये भी है कि हम अपने आध्यात्मिक मार्ग से दूर चले गए हैं। अपने मन बुद्धि संस्कार का बैलेंस करें, और उसमें गुणों का, सद्गुणों का, पवित्र विचारों का हर रोज, जिसको कहे ना, रिफाइनमेंट करें। मशीन को जैसे रिफाइन किया जाता है, ऐसे मन बुद्धि संस्कार के मशीन को रिफाइन करें, तो क्या होगा? भौतिकवाद एवं आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय। अन्यथा अधिक भौतिक साधनों के प्रभाव में हम अंदर से खाली होते जाते हैं, और अंदर से जब खाली होते जाते हैं तो खाली जगह में क्या होता है? शैतान का घर। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ जाते हैं। या तो गुण होंगे आपके मन बुद्धि संस्कार में, या तो अवगुण होंगे। अब आपको किसको स्थान देना है? अगर आप राजा ध्यान नहीं देंगे तो अवगुण भर जाएंगे, और अगर ध्यान देंगे तो गुण भर। तो स्टॉक क्लियरेंस, व्यापारी अपना स्टॉक देखता है ना, इन्वेंटरीज देखता है ना, कि मेरे स्टॉक में क्या क्या इन्वेंटरीज है, नहीं है, कम है, ज्यादा है, कितना अटेंशन रहता है आप लोगों को। एक हार्डवेयर के व्यापारी को तो देख लो, हार्डवेयर के साधनों के, मालूम है, हार्डवेयर समझते ना शब्द, कितनी प्रकार की वैरायटी होती है, पर उसको मुंह पर होता है सबका भाव, और कौन सी चीज कहाँ रखी है, और कितने वैरायटी प्रकार के स्क्रू हैं। एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, स्क्रू के भी कितने वैरायटी प्रकार होते हैं, पर व्यापारी को कैसे है? तो ये बैलेंस हमारा मेंटेन करने के लिए हमें हर रोज ज्ञान सुनना चाहिए, शुद्ध संकल्पों का खजाना जितना हमें मिले, और वो कहाँ पर
अनुभव होता है, ज्ञान कहाँ दिया जाता है? आप बताइए, संसार में कोई स्थान है भाइयों? भौतिक चीजों की तो व्यापार कई है, कई व्यापारी हैं जो भौतिक साधन उपलब्ध कराते, पर ज्ञान का व्यापारी कौन है, बताएंगे आप संसार में? जी हाँ, नेचर, नेचर आपको ज्ञान देता है, बहुत अच्छी बात है। और बताइए, जहाँ रोज बैठ करके कोई आपको शुद्ध संकल्पों का खजाना दे, ये दोनों का बैलेंस आपको जीवन में अपनाना है। कहाँ है अभी झुकाव आपका ज्यादा? अब कहाँ ये दोनों का बैलेंस आ रहा था, ये भी पलड़ा नीचे चाहिए ना थोड़ा, तो ये कहाँ मिलेगी चीज? कौन सिखाएगा? तो परमात्मा के कोई है ऐसा ऐसे स्थान जहां पर आपको परमात्मा बैठ सिखाए? सेल्फ टॉकिंग, चलो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा आपने आज अपने आप से बात की, कल क्या करोगे? दूसरे दिन कई बातें आपके सामने आती है, तो परिस्थितियां अनुसार आपको वो ज्ञान की चाबियां भी तो चाहिए ना, युक्तियां चाहिए ना ज्ञान की, कहाँ मिलती है? बहुत अच्छी बात बताई, सत्संग में। तो सत्संग के तो कई साधन है संसार में। आज दिन तक आप लोग छोटे से बड़े हुए सत्संग भी किए, क्या प्राप्ति हुई? रामायण, महाभारत, गीता हमने भी सुनी है, हमने भी भक्ति की है, हम भी सभी तीर्थ स्थान पर गए हैं, पर ज्ञान की गंगा नहीं मिली कहीं। भाइयों बताओ, महाराष्ट्र में तो हम कीर्तन भी बहुत करते हैं, रुक्मणी एंड विठोबा करते हैं ना, पंढरपुर जाते हैं ना। ये तो आपका अनुभव है, नहीं ऐसे भाइयों को ये क्लियर हो कि क्यों हमें वहां जाना चाहिए, क्या सचमुच वहां ज्ञान मिलता है, और कब जाओगे ज्ञान खरीदने या ज्ञान धारण करने? पहले ज्ञान की परख तो हो, आवश्यक है, पहले ये पूछो अपने आप से, नीड है? व्यापारी तो वहां जाएगा व्यापार करने जहां उसके लाभ की कोई चीज हो, मतलब की कोई चीज हो, तो ही जाएगा। तो हे आत्माओं, आप भी बड़े बड़े व्यापारी हो इस संसार क्षेत्र में, तो आपको लगता है कि ऐसा कोई स्थान है जहां पर आपको ज्ञान के खजाने मिले? आज आपने 1 घंटा अभी सुना, सवेरे सुना, 3रा सत्र है ये, बताओ सवेरे से अभी शाम तक आपको कोई ज्ञान की युक्तियां मिली, चाबियां मिली जीवन के लिए? या याद भी नहीं है? हाँ, बहुत अच्छी बात। तो यहां पर जो भी दिया जाता है वो परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, और ये ज्ञान का खजाना सुप्रीम शिक्षक, परम शिक्षक
जो स्वयं ज्ञान का सागर है, केवल वही ज्ञान दाता है। और सवेरे से शाम तक जो तीन सत्रों में और कल भी आप सुनेंगे, तो ये आपको ज्ञान का खजाना यहां मिल रहा है। और ये मिल रहा है, इसकी प्रमाण क्या है? अनुभव। आज सत्र शुरू किया तब आपने कहा हमें यहां सुख शांति अनुभव होती है। ये किसके मुख से निकला? आपके मुख से निकला। तो सुख शांति मिली, ये अनुभव प्रैक्टिकल प्रमाण है कि ज्ञान से सुख शांति मिलती है। मिलती है ना, प्रैक्टिकल बात है ना, कि यहां आपको अनुभव हो रहा है। तो ऐसा ही सेवा स्थान आपके कोल्हापुर में है, जहां ऐसा परमात्म ज्ञान सवेरे सवेरे सभी मिलकर के बैठ करके सुनते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे कर्मों का जो श्रेष्ठ व्यापार हमें करना है, वो हमें परिवर्तन हो सकता है। इसलिए बिना ज्ञान के गति नहीं, ये कहा जाता है। अब मैं आती हूं आपके बोझ को कैसे आप लाइट करें, इस बात पर। जिम्मेदारी का जो एहसास है, तो वास्तव में जिम्मेदारी क्या है, किसको कहते हैं जिम्मेदारी? भाइयों पर घर की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, धंधे की जिम्मेदारी है, आपके सगे संबंधी भी कहेंगे भाई फलानी जगह ये कार्य हो रहा है चलो, तो सामाजिक जिम्मेदारी भी आप लोगों की होती है। हर जगह मुझे ही जाना पड़ता है, हर जगह मुझे ही करना पड़ता है, हर जगह अब मैं कितना बोझ उठाऊं, मैं कहां कहां पहुंचूं, मेरे पास समय नहीं है और मेरे पर काम का बोझ ज्यादा है। ऐसा होता है ना। तो जिम्मेदारी किसको कहते हैं? कौन सी बात जिम्मेदारी संभालते हुए आप भूल जाते हैं? पहली बात से वो ज्ञान का रतन बताइए मुझे, कौन सा है इसमें, कौन सी बात? या हीरे तुल्य है, हीरे के जितनी वैल्यूएबल है पहली लाइन में। तो जिम्मेदारी निभाते हुए भी आप हल्कापन अनुभव करेंगे, बहुत अच्छी बात है। क्लियर? जो कार्य, जो जिम्मेदारी आप शुभ भावना से करते हैं, तो वो शुभ भावना अर्थात पवित्र विचार है, तो वो आपको अशांत नहीं करेगा, भारी नहीं करेगा। और जिस जिम्मेदारी में आपके अंदर मिक्स भाव है, शुद्ध अशुद्ध मिक्स है, वो जिम्मेदारी आपको परेशान करेगी, क्योंकि आप अपने स्वमान से उतर गए। ठीक। जिम्मेदार अर्थात अपना हर निर्णय सुजाग होकर के करे, तो वही जिम्मेदारी में आपको मालूम है कि मैंने निर्णय ठीक ही लिया है, तो ऑटोमेटिकली कार्य सफल होगा ही होगा, तो उसका फिर टेंशन नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना, पहले सोचो, और सोचने को प्लानिंग कहते हैं ना, तो प्लानिंग से एक्यूरेसी आती है और एक्यूरेसी से सफलता निश्चित होती है। और सफलता जहां निश्चित है वहां टेंशन नहीं है। जिम्मेदारी को किस दृष्टिकोण से देखेंगे, आपको क्या सिखाती है जिम्मेदारी? स्वयं पर रूलिंग करना, स्वराज्य। नहीं तो आपके ही मन बुद्धि संस्कार कायर और आलसी, और अगर जिम्मेदार है तो एक्टिव बनेंगे। तो जिम्मेदारी हमें क्या बनाती है? तब बिजनेस का बोझ हल्का हुआ, हो गए हल्के, हाँ? तो सेल्फ रूलिंग है ना, आपकी टैलेंट भी बाहर आती है, आपको कुछ कर दिखाने की भी, हाँ? एक चांस, एक क्षमता,
सब कुछ मिलता है। अब इस दृष्टिकोण से व्यापार करके देखो तो वही व्यापार बोझ रहित, टेंशन रहित। जिम्मेदारी आपकी कौन सी है? बिजनेस करने की? नो। सच्ची जिम्मेदारी कौन सी है आपकी? भाई जी बताइए क्या लिखा हुआ है? आपके आसपास शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना। एक गली है जहां कई दुकानें हैं, बैठे हैं व्यापारी। जब दोपहर में फुर्सत के समय व्यापार नहीं है, ग्राहक कम आते हैं दोपहर के समय, तो कैसे टाइम पास करोगे? कैसे टाइम पास करोगे? अगर आपके पास ये लक्ष्य है तो आप अपने मन की शक्ति को बढ़ाओगे। उस समय ये चिंता नहीं करोगे, अरे आज व्यापार कम हो गया, आज ग्राहक कम आ गए। तो वो धन जो है हमें खींचता है, ऐसा भी ना हो। तो ऐसा भी ना हो कि हम बैठ करके ताश खेलें फुर्सत के समय। सभी व्यापारी, वो आजकल के यंगस्टर की मैं बात कह रही हूं, बड़ी उम्र वालों की मैं बात नहीं कह रही हूं, वहीं गली में एक टेबल रख लेंगे और आपस में बैठ करके ताश खेलेंगे, ये भी तरीका नहीं है, तो अशांति फैलाई ना। आप बड़े जब ताश खेलेंगे तो आपको देख करके आपके बच्चे क्या सीखेंगे? या होटलों में जाकर खाना खाएंगे, या फिल्म में चले जाएंगे, या पार्टी में चले जाएंगे। तो एक तरफ कमाते हो, एक तरफ गंवाते हो। तो अशांति वाला नहीं, पर शांति युक्त। तो आपका हर कर्म आपका समाज नोट करता है, आपका हर कर्म दुनिया देखती है और आपसे प्रेरणाएं लेती है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? व्यापार की नहीं, पर यह व्यापार शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने का व्यापार। ये देखो यहां कौन सा है ना? क्या यहां धंधा नहीं चल रहा है? बिजनेस नहीं हो रहा है ज्ञान का? यहां खाना नहीं बन रहा है? अरे यहां भी सब्जियां आती है ना मार्केट से, यहां भी कपड़े धुलाई होते हैं, होते है? हर एक भाई बहन यहां फ्री नहीं है, हर एक अपनी अपनी सेवाएं, पर फिर भी शांति है। क्या ऐसा आप नहीं कर सकते? मॉडल तैयार वहां